जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। सन 1966 में प्रयाग कुंभ मेले में महाराज का कैंप संगम पर गंगा के दूसरी तरफ झोंसी की ओर लगा था। रात्रि अधिक हो चली थी, बाबा का दरबार चल रहा था। उस समय ब्रह्मचारी बाबा एक भक्त के कान में धीरे से कह रहे थे कि इस समय सबको चाय पिला जा सकती हो तो बहुत अच्छा होता। सर्दी काफ़ी थी, भंडारे में चीनी चाय सभी कुछ था, पर कमी थी तो दूध की। उस समय बाबा बोल उठे, चाय पिएगा, जा बाल्टी ले जा, गंगा से दूध भर कर ले आ, कह देना मैया दूध लिए जा रहा हूँ, कल लौटा दूंगा। ब्रह्मचारी बाबा ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वे गंगा जल से भरी बाल्टी लेकर कैंप में आए, बाबा ने उसे ढक कर रख देने को कहा। कुछ समय बाद वे उन्हें याद दिलाते हुए बोले, अब चाय क्यों नहीं बनाता। वे तुरंत पानी आग में रख कर आए और चिंतित थे कि दूध के बिना काम कैसे चलेगा। पानी के उबल जाने पर जब उन्होंने उस बाल्टी का ढक्कन उठाया तो उन्हें वह बाल्टी पूरी दूध से भरी दिखाई दी। सब लोगों ने माघ की उस ठंडी रात में गरम गरम चाय का आनंद लिया और सभी इस लीला से चकित रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब कैंप में दूध आया तो बाबा ने एक बाल्टी दूध गंगा जी में डलवा दिया। जय श्री राम।